हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आईआईटी जेम 2006 का सोल्व पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स टू कोस एक्स इंटीग्रेशन है ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी देन एफ डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लेवेंटीज फॉर्मूला यूज करते हैं। बेसिकली लेवेंटीज फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास अगर कुछ फंक्शन हो एफ एक्स इसी तरह से इक्वल टू एफ एक्स, मैं इसको आई एक्स दे लेता हूँ, आई एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए एक्स टू बी एक्स और एफ ऑफ टी एक्स ऑफ डी टी, इस तरह से कोई फंक्शन हो तो उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव यानी कि डी ओवर डी आई एक्स ऑफ डी एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास लिमिट जो होती है ए एक्स टू बी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ टी एक्स का, उसके बाद प्लस और यहाँ पे होता है हमारे पास एफ टी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं हम एफ बी एक्स एंड एक्स के फंक्शन से और डी बी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाता है माइनस और ये हो जाता है एफ, इस बार हम ए एक्स से रिप्लेस कर दे तो एक्स एंड डी ए एक्स अपॉन डी एक्स। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास लेवेंटीज फॉर्मूला। लेवेंटीज फॉर्मूला की हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है, हमारे पास एफ एक्स बराबर अगर यहाँ पे देखें तो एफ टी एक्स, तो एफ टी एक्स क्या है हमारे पास, एफ टी एक्स बराबर है ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये टर्म तो हमारे पास जीरो हो ही जाए क्योंकि यहाँ पे ये टर्म जो ई टू द पावर ओनली माइनस टी स्क्वायर है, टी का फंक्शन है और हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है तो ये जीरो हो जाएगा। प्लस एफ बी एक्स, तो एफ बी एक्स टी की जगह बी पुट कर देना तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी ई टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस और टी की जगह बी पुट कर देना है तो कोस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सिंपली और साथ में हमें डी बी एक्स अपॉन डी टी, तो बी एक्स करेंगे तो माइनस माइनस साइन एक्स क्योंकि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स होगा, ये हो गया हमारे पास माइनस। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे एफ ए एक्स एंड एक्स, तो एफ ए एक्स यानी कि एफ यहाँ पे आ जाएगा ये वाइल टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एफ और ये हो गया सॉरी माइनस एफ नहीं ई टू द पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गए हमारे पास और ये हो गए हमारे पास अब डी ए एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स हो गया। अब ये आ गया हमारे पास, अब हमें एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है पाई बाई 4 पे वो होती है हमारे पास 1/2 और ये हो गया हमारे पास 1/2 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ये माइनस का आ गया हमारे पास। इसी तरह से यहाँ ई टू द पावर यहाँ पे माइनस 1/2 क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है और ये कोस कोस एक्स की वैल्यू भी होगी वो हो गया हमारे पास 1/√2, ये आ गया हमारे पास। फ्रेंड्स, हमारे पास अब तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं ई टू द पावर -1/√2 कॉमन ले सकते हैं, तो ई टू द पावर -1/√2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे सॉरी नीचे यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ई टू द पावर -1/√2 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बच गया, यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो
माइनस माइनस तो 12 जाएगा, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू ये आ गया, तो ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर माइनस वन अपॉन टू माइनस, तो ये हो गया टू अपॉन रूट टू, टू अपॉन रूट टू। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं रूट टू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन टू, जो कि माइनस का है अभी, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस टू अपॉन ई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस टू अपॉन ई, जो कि हमारे पास ऑप्शन किस ऑप्शन से मैच खाता है ये देख लेते हैं, ये हमारे पास बी ऑप्शन से मैच खाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब फिर से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सी बी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो इस तरह के इंटीग्रेशन हमें पता है सिंपली ग्रीन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से हो हमारे पास कहीं पर क्लोज इंटरवल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये हो हमारे पास, तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रेशन होता है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। तो क्यू बराबर यहाँ पे क्या है, क्यू बराबर ये टर्म है और पी बराबर क्या टर्म है ये, तो हमारे पास पहले डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल क्यू अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई सिक्स सॉरी सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस, और ये हो गया हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू वाई इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन, और ये हो गया हमारे पास डी एक्स डी वाई, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से सिक्स एक्स वाई स्क्वायर से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा ओनली ओनली अंदर जो बचा वो बचा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सर्किल दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन एंटी क्लॉक वाइज, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा, अगर फिगर पे बात करें तो ये सर्किल है, तो इसका हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हम, अगर देखें तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वाई की वैल्यू जो जा रही है वो जीरो टू और जीरो टू, और ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर तक, और एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो टू वन, तो अब विद रेस्पेक्ट टू पहले वाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो टू वन, और ये हो गया हमारे पास वाई, जहाँ पे लिमिट होगी हमारे पास जीरो टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास जीरो टू वन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब फ्रेंड्स ये इंटीग्रेशन हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, इसका हमें सब पता है, और चूंकि ये हमारे पास चारों क्वार्टर्स में है, तो चारों क्वार्टर्स में से बाहर फोर का मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ फोर का मल्टीप्लाई होकर चलेगा, और ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया, फोर तो बाहर ही है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, और जहाँ पे लिमिट जो है इसकी जीरो टू वन है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जब वन अप्लाई करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फोर तो बाहर ही रहेगा, और जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स वन जो कि पाई बाई टू होता है, तो ये हो गया पाई बाई फोर, जब जीरो अप्लाई करेंगे तो ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो, तो ये टोटल आ गया हमारे पास पाई, तो फ्रेंड्स पाई इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, थैंक यू फ्रेंड्स।